बहुत दुख की बात है, मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि जस्टिस मिलना चाहिए बहुत जल्दी, पर डिले हो रहा है, पर फाइनली हो रहा है, तो लेट्स सी एट द पॉजिटिव साइड। बोले बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है, पर क्योंकि मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, मूड मेरा अपलिफ्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनकर। दैट्स व्हाई आई एम अटेंडिंग अवार्ड्स, दिस अवार्ड्स। कौन कौन से गाने सुनती हैं आप इस साल के 2019 में? मलंग के बहुत अच्छे हैं, कबीर सिंह के बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे वो जोन ज़्यादा अच्छा लगता है, यू नो। मैं हिंदी गाने कम सुनती हूँ, पर कबीर सिंह और मलंग के गाने मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। खतरों के खिलाड़ी में भी आपको देखा जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत नर्वस हूँ मैं, क्योंकि अभी बस 3 दिन में ही खतरों के खिलाड़ी शुरू हो रहा है। ये मेरा जोन बिल्कुल नहीं था ये शो करने का, पर कैसे भी करके हिम्मत जुटा के मैंने ये शो किया है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। आप लोग सब देखना ज़रूर। हाँ, विनर फिक्स होगा या क्या होगा? कैसे विनर फिक्स हो सकता है, रियलिटी शो है, कुछ फिक्स भरोसा नहीं होता। नहीं, हमारे शो में ऐसा कुछ नहीं होता है, विनर कोई फिक्स नहीं होता है, इट इज गुड। ओके, इसके अलावा मैम थर्ड मार्च को अब डिले हो रहा है, बहुत दुख की बात है, मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि जस्टिस मिलना चाहिए बहुत जल्दी, पर डिले हो रहा है, पर फाइनली हो रहा है, तो लेट्स सी एट द पॉजिटिव साइड। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो आप लोग? बात करना है मेरे से कि नहीं करना? बोर हो गए आप? आप मुझे राधे के बारे में नहीं पूछेंगे? अरे ऐसे कैसे चलेगा यार? आपको, आप बोलिए क्या करना है। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। ये मेरा फेवरेट है, बिल्कुल। लेकिन अवार्ड ही नहीं मिल पाते कबीर सिंह को। हाँ जी, कबीर सिंह के अवार्ड नहीं मिल पा रहे, कहाँ पे भी देखे हम अवार्ड नहीं मिल पा रहे, क्या कारण है? आपको लग रहा है ऐसा? हाँ। क्या आप कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन जानबूझ के पूछ रहे हो आप? आपको मालूम है क्या हुआ है 2 दिन पहले ट्विटर पे? तो जिस तरह से लोगों ने काफी पसंद किया है, किसी ने देखा, लेकिन मेरे हिसाब से कबीर सिंह का एल्बम सबसे बेस्ट था और हर अवार्ड उसको तो मिलना ही चाहिए। मैं बोलूँगा, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी बोल दूंगा, कि मुझे लगता है कि फिल्म फेयर में भी मनोज मुंतशिर सर को जीतना चाहिए था तेरी मिट्टी के। आई लव मनोज सर्स वर्क माई सेल्फ, मेरे गाने लिखे हैं उन्होंने, तो आज मैं नॉमिनेटेड हूँ एक गाने के लिए, गाने का नाम है वो बारिश है, तो वो गाना भी मनोज सर ने ही लिखा है।
तो आप इतना खुश हो गए हो, देखो इतने कुछ कंट्रोवर्शियल बोला, ऐसे खुश तो हंसमुख हो गए आप तो, तो हाँ नहीं मुझे तो लगता है। अच्छा ऐसे क्या बात, क्या बात है और कुछ? थैंक यू जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू। I'm very excited to be here. It's always beautiful to have beautiful and talented people around. We share the same love, which is music. So I'm happy to be here. Yeah, thank you. Bye bye. हेलो, हाय, आई एम बैक। पूछिए। ये शाम, इस शाम का इंतज़ार होता है पूरे साल। मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ आर फिल्म म्यूज़िक, आर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एंड सारे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के मेरे भाई बहन, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त सब आज इधर हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ईच ऑफ दोज सॉन्ग्स जो हमारे श्रोताओं को के दिलों तक पहुंचा है और उन गानों को लोगों ने हर दिन गुनगुनाया है या गाया है या अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल इवनिंग। मैं अभी ये सवाल का जवाब दे रही थी कहीं पर। बड़ा मुश्किल होता है अपने गानों में से चुनना, बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। इस साल कुछ अलग अलग तरह के गाने आए हैं, चाहे वो घर मोरे परदेसिया हो जो क्लासिकल बेस्ड है, ये आईना जो बहुत रोमांटिक गाना है, स्लो मोशन जो कि धमाल गाना है। सो ये सब को मिला के एक खिचड़ी बना के वो तीनों गाना का मिक्सचर इज़ माय फेवरेट आई वुड से। बट या घर मोरे परदेसिया इज अ सिंगर्स ड्रीम सॉन्ग, आई एंजॉयड सिंगिंग दिस वन, सो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट वन। डन, थैंक यू। जी हाई अगेन। 2019 के कौन कौन से सॉन्ग जो आपके काफ़ी करीबी हैं, आप गुनगुनाती हैं? आई थिंक ज़्यादातर सभी बहुत ही मैं मुझे खुशी है कहने में कि हमारा म्यूज़िक बहुत ही अच्छा और मेलोडियस होते जा रहा है। एक गोल्डन ईयर्स फॉर गुड म्यूज़िक वॉज द 90s, देन अगेन आई थिंक आफ्टर दैट इट हैज़ ओनली प्रोग्रेस। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉस विच वन, बट आई लव ऑल ऑफ देम एंड मे द बेस्ट वन विन टुनाइट। आपका फेवरेट?
अभी फेवरेट बोलूँगी, अवार्ड देने के बाद आके बताऊँगी फेवरेट बहुत ज़्यादा. राइट नाउ इट विल नॉट बी शेयर. एक्चुअली या व्हाई डू आई जस्ट से इट, आई लव ऑल दोस दैट आर माय रीमिक्सेस. I think all of them equally deserve. It's I think it'll be on public voting which one works better. क्योंकि आप बात करती हैं तो finally date आ चुकी है निर्भया FX की 3rd of March. Not the place to. Not the right place to. Guys, just fix up now. We'll do a proper interview. मैं अभी दूसरे mood में अभी suddenly वो serious. Yeah, not this question.